तो गाइस ये है एसर नाइट्रो वी आरटीएक्स 4050 वाला एंड 16 GB रैम वाला वेरिएंट है। तो भाई 10 गेमें मैंने अच्छी तरह टेस्ट की हैं इसके ऊपर, तो वीडियो को देखो एंड तक। तो चलिए शुरू कर दें यार। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ये चैनल है। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं भाई। टिपिकली एसर वाला बॉक्स आपको मिलता है जैसे जो पुश्तों से चलता आ रहा है, ऊपर एक और बॉक्स था वो मैंने उतार दिया है। सबसे पहले आपको मिल जाती हैं लव लेटर वगैरह, ट्रैवल वारंटी वगैरह, मतलब इंटरनेशनल वारंटी के डॉक्यूमेंट एंड दोनों, मतलब सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिल जाती है पावर कॉर्ड, अडेप्टर देख लेते हैं भाई। ये वाला जैक है एंड 135 वॉट था जी, 135 वॉट, ठीक है। और लैपटॉप निकाल लेते हैं बाहर, तो लैपटॉप भाई आपको कुछ इस घूंघट में मिलेगा वाइट वाले, तो निकाल लेते हैं। साइड कट जाता है, घूंघट की फिटिंग थोड़ी टाइट है ना, आप अच्छे से ले लिया होगा। तो गाइस ये है एसर नाइट्रो वी। तो भाई फ्रंट डिज़ाइन देख लो यार, काफ़ी अच्छा दिखता है दिखने में। एंड ये दूर से देखोगे ना, साइड से मतलब, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट जल रही है, लेकिन लाइट वगैरह नहीं जलती, काफ़ी ग्लो करता है। लेकिन तो लाइन्स वगैरह भी इसकी ग्लो करती है, डिज़ाइन वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा है। तो बैक साइड से बात कर लेते हैं, तो भाई एयर इनटेक का वेंट मिल जाता है अच्छा खासा। ड्यूल फैंस मिल जाते हैं जो कि भाई साइड एक साथ इकट्ठे वाले हैं, अलग वाला में ड्यूल नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एक यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है एंड इस साइड आपको पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो लगे हाथ पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है, ठीक है। तो 3.2 के जो यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI पोर्ट, LAN केबल स्लॉट एंड चार्जिंग जैक, एंड इधर आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा, किंगस्टन लॉक मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट 3.2 का, हेडफोन जैक कॉम्बो वाला, ठीक है। बाकी वेंट ऊपर की साइड एयर जाती है, वो हम फाइनल वर्डिंग में बात करेंगे, डिस्प्ले का क्या सीन है। तो भाई लैपटॉप का फ्लैप ओपन करके देखते हैं वन एंड से। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे लैपटॉप, तो लेट्स ट्राई। भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, बूट भी कर लेते हैं। तो बूट बटन मैंने दबा दिया हुआ है, तो बूट स्पीड चेक करते हैं। विंडोज 11 के साथ आता है ये, चल भी हो जाओ, हो गया भी, हो गया, ब्राइटनेस बता लिए। अबे नाइट मोड कितने ऑन करता नहीं किया। तो गाइस यह है नाइट्रो वी। अंदर से डिजाइन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भाई एन का लोगो है जो कि भाई बड़ा अच्छा लगता है। एंड अंदर दो या तीन वॉलपेपर मिल जाते हैं नाइट्रो के, तो वो आप चेंज कर सकते हो, वो तो कोई भी लगा सकते हो। बाकी डिस्प्ले बेसिक सी मिल जाती है, आपको मैं डिटेल बता दूंगा। तो वाइट कलर की बैकलर एड मिल जाती है कीबोर्ड के अंदर ही, फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है। टच पैड का साइज मतलब अच्छा खासा बड़ा कीबोर्ड मिल जाता है, मतलब टच पैड मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, आप पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हो। तो कीबोर्ड टच पैड दोनों ही इसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस भी आपको 2 लेवल की मिल जाती है। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं, पूरा लैपटॉप बना हुआ देखो प्लास्टिक से, एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी वेट की बात करें तो 2.1 kg लैपटॉप का वेट है, तो गेमिंग लैपटॉप जितना भारा भी नहीं है और थिन एंड लाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो एक मिडल सा होता है ना बीच का। तो बाकी लगे हाथ लैपटॉप के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS पैनल मिल जाता है, 45% NTSC है एंड 250 nits की प्रॉपर ब्राइटनेस है भाई, ठीक है। बाकी 144 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, 15-20 का रिस्पांस टाइम मान लो। तो मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर है i5 13th generation, जो कि भाई 8 कोर वाला CPU है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर हैं। जो i5 इसके अंदर आपको मिलता है वो है 13450H। ग्राफिक कार्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, RTX 4050 है इसके अंदर, 6 GB VRAM वाला, 75 वॉट का भाई। बाकी SSD की बात कर ले, 512 GB SSD मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, तो 2-2 TB की आप और SSD लगा सकते हो। तो बाकी Gen 4 SSD मिल जाती है इसके अंदर, तो रीड एंड राइट स्पीड आप देख लेना स्क्रीन के ऊपर। बाकी रैम की बात करें तो भाई 16 GB रैम वाला मेरे पास वेरिएंट है, जिसके अंदर है DDR5 4800 MHz की 16 GB रैम, बाकी 32 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो अपग्रेड। बाकी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2। बैटरी की बात करें तो 57 वॉट की बैटरी मिलती है, जो कि भाई 2 से 2.5 घंटे बैटरी पर आपको मिल जाएगा, मक्सेज वगैरह है नहीं। बाकी वेबकैम और स्पीकर की बात करें वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। तो बात कर लेते हैं CPU की भाई परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि आपने बताया i5 13th generation मिल जाता है, जो कि है 13450 है, जो कि 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर है, 12 थ्रेड्स हैं, टोटल 8 कोर का CPU है। तो इस CPU को भाई प्रेडेटर नियो वाले से कंपेयर ना कर लेना, उसमें HX CPU मिलता है, तो उसमें वही खाली एच वाला CPU है। तो फिर बेंच 823 स्कोर की बात कर लेते, जो मल्टी कोर स्कोर आया तो वो था 11,459 एंड सिंगल कोर स्कोर जो आया था वो आया था 1679 69।
नत्री बोलते हैं। गीगबेंच स्कोर की बात कर लेते हैं। मल्टी कोर स्कोर आया था 9104, सिंगल कोर स्कोर आया था 2307। 3D Mark Time Spy की बात कर लेते हैं। CPU का स्कोर 8654, GPU का स्कोर 8118, ओवरऑल आया था 8194। बाकी PC Mark Time Spy की बात कर लेते हैं, उसका ओवरऑल स्कोर आया था 6457। एंड ब्लेंडर का स्कोर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो वही CPU वही काफ़ी अच्छा है, 10000 के ऊपर है आपका स्कोर मिलता है। तो आराम से आप 1080p 2K इवन की 4K एडिटिंग भी आप कर सकते हो बेसिक। बाकी दुनिया भर के कौन सा मर्जी सॉफ्टवेयर चलाना हो सारे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई 10 गेम्स जो मैंने टेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले बता दूं भाई परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किए हैं, तो उसके अंदर आपको नाइट्रो फैंस मिलता है, तो उसके अंदर आपको क्वाइट बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड मिलता है। तो परफॉर्मेंस मोड पे सारी गेम्स टेस्ट किए हैं। एंड मक्स स्विच वगैरह नहीं है लैपटॉप के अंदर। बाकी रूम टेम्परेचर आप साथ के साथ देख लेना, थोड़ी सी ठंडी तो चल रही है अभी भी। सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं, GTA 5 जो कि मैंने टेस्ट की थी, रिकमेंडेड सेटिंग्स में वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो आया था। CPU टेम्परेचर 81 डिग्री टच किया था, GPU टेम्परेचर 56 डिग्री। ओपन एरिया में 140 के ऊपर ही FPS मिल रहे थे, बाकी डिमांडिंग एरिया में हमें 100 प्लस ही मिल रहे थे। तो नेक्स्ट गेम जो मैंने टच की थी RDR2, मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में, साथ में डिलीशियस रखा था बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर 65 डिग्री, GPU टेम्परेचर 63 डिग्री, एवरेज हमें 75 FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम टच की थी मैंने पैक्स लेजेंड, जो कि मैंने टच किया था गन गेम शायद, तो वेरी हाई सेटिंग्स में मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि जिसमें 6GB रिकमेंडेड रैम वाली सेटिंग आ रही थी, वी रैम वाली। तो CPU टेम्परेचर 70 डिग्री मैक्स किया था, GPU टेम्परेचर 61 डिग्री, FPS हमें भाई 140 के ऊपर ही मिल रहे थे, मतलब 144 के ऊपर नहीं जा रहे थे। मैंने VSync ऑफ भी कर दिया था, तब भी पता नहीं क्यों 144 पे लॉक हो गए थे, मतलब आपको उसके ऊपर भी मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट गेम की बात कर ले जो कि मैंने टेस्ट की थी Warzone, जो कि मैंने ब्लेंडर टेस्ट किया था अल्ट्रा सेटिंग्स में, साथ में डिलीशियस रखा था ब्लेंडर कह रहा बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर 69 डिग्री मैक्स टच किया था, GPU टेम्परेचर 61 डिग्री, FPS की बात करें भाई 90-100, मतलब 90 के ऊपर ही ऑलवेज मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते जो कि मैंने टच की थी PUBG PC अल्ट्रा सेटिंग्स में टच की थी, जो कि मैक्स सेटिंग्स होती है PUBG PC की। तो CPU टेम्परेचर मैक्स 70 डिग्री, GPU टेम्परेचर 57 डिग्री मैक्स, FPS हमें 80-90 मिल रहे थे डिमांडिंग एरिया में। बाकी ओपन एरिया में चले जाओ, मतलब जो लो डिमांडिंग एरिया थे घर के अंदर वगैरह, 100-120 के ऊपर भी जा रहे थे। तो नेक्स्ट गेम टच की थी मैंने वेलहेला, वेरी हाई सेटिंग्स पे। तो CPU टेम्परेचर 65 डिग्री, GPU टेम्परेचर 65 डिग्री, एवरेज FPS आए थे 72। नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट की थी फायर का 6 अल्ट्रा सेटिंग में, साथ में FSR रखा था बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर 82 डिग्री, GPU टेम्परेचर 57 डिग्री, FPS की बात करें तो भाई 96 हमें देखने को मिल गए थे एवरेज। नेक्स्ट टेस्ट की थी मैंने साइबर बग, जो कि टेस्ट की थी मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स में, साथ में रखा था बैलेंस पे DLSS, साथ में फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था। तो भाई 67 मैक्स CPU टेम्परेचर आया था, GPU टेम्परेचर 61 डिग्री, एवरेज हमें 111 देखने को मिल गए थे FPS, 111। तो नेक्स्ट ईयर मैंने टच की थी CS GO 2, जो कि मैंने टच की थी रिकमेंडेड सेटिंग्स में, जो कि हाई सेटिंग्स आई थी। CPU टेम्परेचर 68 डिग्री, GPU टेम्परेचर 61 डिग्री, FPS हमें 150 के ऊपर ही मिल रहे थे। वैलोरेंट की बात कर लेते नेक्स्ट गेम जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में, CPU टेम्परेचर 75 डिग्री, GPU टेम्परेचर 57 डिग्री, एवरेज हमें भाई मतलब FPS 250 के ऊपर ही मिल रहे थे ऑलवेज। तो बढ़िया भाई परफॉर्मेंस मिल रही है। तो भाई ये लैपटॉप सिर्फ 80,000 का है, 4050 आपको मिल रहा है, 6GB भी रैम वाला, बाकी CPU भी अच्छा खासा उसके अंदर आपको मिल जाता है, 10,000 के ऊपर ही सिर्फ स्कोर आता है, 11,000 कुछ। तो मतलब 80,000 के अंदर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है ये। अगर आपको गेमिंग करनी है, कैजुअल वर्क करनी है, मतलब कोई भी काम करना हो, एक आपको ऑल इन वन लैपटॉप चाहिए हो, थोड़ी गेमिंग कर ली, थोड़ा ऑफिस वर्क कर लिया, मतलब सब चीज़ का मिक्सचर, ठीक है। प्रॉपर गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई इसका गेमिंग वाला डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि गर्मियों में लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा हीट होगा, तो डायरेक्ट जो इसकी ऊपर वेंट है ना डिस्प्ले के ऊपर, वो इसकी हीट डिस्प्ले पे टच होती है। तो अभी तो सर्दी है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर भी वैसे इसकी नॉर्मल है। गर्मियों में थोड़े से टेम्परेचर जैसे 80-90 तक जाएंगे अगर गेमिंग करोगे, तो डिस्प्ले पे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये बात की बातें हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, हाई एंड गेमिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि लगातार 3-3 घंटे 2-2 घंटे कर रहे हो, वो वाला सीन ना करना। नॉर्मल गेमिंग करनी है ले सकते हो, मतलब नॉर्मल टाइमिंग वाली। बाकी यहाँ हाई एंड गेम सारे चल जाएंगे भाई, 4050 है, बढ़िया है। तो लैपटॉप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का, तो बाय बुक करना हो लिंक से ऑर्डर करके सपोर्ट कर सकते हो। तो सेल में 75 तक भी मिल जाता होता है, वैसे 80 का भी मिल रहा होगा 16GB वाला, तो 16GB वाला ही लेना, 8GB वाला ना लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलना था, बढ़िया लैपटॉप है, ले लो।